दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन जीके की। आपका टोटल 25 नंबर का व्यापम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छात्रावास शिक्षक के सामान्य ज्ञान से। साथ ही सब इंस्पेक्टर की बात करें, जिसका एग्जाम 6 नंबर को होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि आप सभी के लिए दोनों ही क्लास अति महत्वपूर्ण है। जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एसआई भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टोटल हम दोनों के लिए 50 एमसीक्यू लाए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में सटीक क्वेश्चन एकदम आने वाला है, यानी कि 70% गारंटी के साथ। जो लोग छात्रावास अधीक्षक या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वीडियो पर जुड़ जाइएगा। डेली क्लासेस कराया जा रहा है, दिवाली का सुनहरा अवसर है। यहाँ पर दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही दिवाली खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दिवाली का सेकंड दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हमने बताया था वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर की, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य ज्ञान का पार्ट वन वीडियो। यानी कि हम देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आपको एसआई भर्ती की, एडीओ की और हॉस्टल वार्डन की, ये तीनों ही क्लासेस का हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। और ये नया बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान छात्रावास अधीक्षक का जो क्लास चल रही है, इसका नया बैच क्लास प्रारंभ हुआ है रात 8 बजे। ठीक है, रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, इसको नोट कर लीजिएगा। टाइमिंग की कई लोग टाइमिंग पूछते हैं तो इसको नोट कीजिएगा, रात 8 बजे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। साथ ही करंट अफेयर और मैथ्स की क्लास कल से प्रारंभ की जाएगी। मैथ्स की जो क्लास होती है वो आपका शाम 5 बजे रहेगा। कितना? शाम 5 बजे। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे कौन सा? करंट अफेयर की क्लास जो है सुबह 8 बजे रहेगी। रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, मैथ्स से आपका शाम 5 बजे कल से प्रारंभ किया जा रहा है एक नए समय पर। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो कि व्यापम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है या आपका मुड़िया दरबार से होती है। इसको नोट कीजिएगा, जो बस्तर का जो दशहरा होता है वो आपका मुड़िया दरबार से होता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लेना। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। ये आपका पीएससी 2019 में पूछा है। ठीक है, बस्तर का जो दशहरा होता है उसमें रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है, तो उसको गोंचा पर्व कहा जाता है। बिल्कुल सही है, गोंचा पर्व आएगा। उसके बाद है आपको बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, व्यापम के 2018 में पूछा है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी पिछले विगत वर्षों का जो कि कई बार रिपीट होता है। ठीक है, बस्तर का जो माटी त्यौहार होता है माटी, ठीक है, उसको कब मनाया जाता है, तो आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। अब चैत्र माह को हिंदी में क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, इसको क्या बोला जाता है? अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, क्या बोला जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद है इसका, देखिए मैं आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। डेली आपका 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, 10 दिनों का क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन जो कि व्यापम और पीएससी में पूछा जाता है। तो आप सभी को 10 का 50 का गुणा कर दोगे, 10 दिन के लिए क्लास है, तो आपका टोटल 500 एमसीक्यू हो जाएगा। यानी कि 500 एमसीक्यू में कम से कम अगर टोटल 500 एमसीक्यू का तैयार कर लेते हो तो आपका 70% गारंटी है सिलेक्शन का चांस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बस्तर के दशहरा पर्व रथ के किन के द्वारा खींचा जाता है। रथ किन के द्वारा खींचा जाता है, आप सभी को पता है आदिवासी। ठीक है, जो आदिवासी होता है उसके द्वारा रथ को खींचा जाता है, तो स्थानीय आदिवासी लिखना। ठीक है, स्थानीय आदिवासी। ठीक है, पीएससी 2016 में पूछा गया है। मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, 10 दिनों को क्रैश कर रहा है, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है, आप सभी को पता है ये वाला आया था 2016 में व्यापम में। ठीक है, वन विभाग में। ठीक है, तो ये कौन से देवी है, काछिन गादी देवी। काछिन, इसको नोट कीजिए, काछिन गादी देवी। ठीक है, व्यापम में आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ व्यापम से ही है। इसके बाद है काछिन गादी किस से अनुष्ठान से संबंधित है, जो संबंधित होता है काछिन गादी, वो देखिए सीजीपीएससी 2019 में आया है,
दशहरा में। जो दशहरा होता है उसको प्राचीन गांधी पर्व से संबंधित अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 दिनों का क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, बिल्कुल पैसा आपको नहीं लिया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप टोटल 500 MCQ कर लेते हो तो आपको 70% गारंटी है आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर एग्ज़ाम से पहले वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में थापरे नृत्य जो होता है, इस राज्य की किस जनजाति का समुदाय है, ये व्यापम के मंडी निरीक्षक में आया हुआ प्रश्न है। 2021 में जो हुआ था थापरे नृत्य, उसको कोरकू कहते हैं, कोरकू नोट कीजिएगा, कोरकू जनजाति है जो कि थापरे नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये व्यापम में आता है, कठरी पचरी चूना, मैं बार बार बताया हूँ इसको, ये भी मंडी निरीक्षक में पूछा गया 2021 में। कठिया पथरी चूना किस क्षेत्र में स्थित है, जो कठिया पथरी चूना होता है इसका आया था रायपुर में, ठीक है, रायपुर, इसको नोट कीजिएगा, रायपुर, ठीक है। जो कठिया पथरी चूना होता है इसको ध्यान से समझिए, कठरी पथरी चूना होता है वो पत्थर क्षेत्र के रायपुर जिला में स्थित है। और बस्तरा का जो विदाई होता है ना माउली वाला, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको नोट कीजिएगा। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो जो अंतिम कार्यक्रम होता है उसे गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। व्यापम में आया हुआ प्रश्न, PSC 2019 में आया हुआ है, इसको नोट कीजिएगा, PSC में, ठीक है, PSC 2019 में आया हुआ है, ठीक है। गंगा मुंडा यात्रा यानी कि बस्तर का जो दशहरा होता है मावली माई की विदाई के सम्मान में, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जेठौनी किस माह मनाते हैं। देखिए अब दिवाली तो ख़त्म हो चुका है, ये दिवाली का सेकंड क्लास है, ठीक है। दिवाली तो यहाँ पर मना चुके हैं, लक्ष्मी पूजन गोवर्धन पूजा कल मनाए थे और आज आपका स्टार्ट हो चुकी है क्लास, ठीक है। और आप सभी कमेंट में बताएं कि जेठौनी किस माह मनाते हैं, तो आपको सभी को मालूम है कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो जेठौनी क्यों मनाते हैं ये आप कारण बताइए, क्यों मनाते हैं, तो इसका कमेंट में आंसर दिए, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं व्यापम PSC की, तो इनको कारण पता ही होगा कि कार्तिक माह में जेठौनी मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। एक लोगों का आंसर आ चुका है, एक से दो लोगों का आंसर अभी भी आ चुका है, ठीक है। मनीष और राहुल का आंसर आ चुका है, ठीक है। कश्यप का भी है क्या, पटेल, किरण पटेल का भी आंसर आ चुका है, और क्या है, मोहन, सीता, राजू, गोपाल, इन सभी का आंसर आ चुका है, क्यों मनाए जाते हैं। लो हाँ, हेलो जी, बिल्कुल नमस्कार, हाँ क्लास चल रहा है ना, क्लास के बाद कॉल करें, ओके थैंक यू। चलिए ये क्या है आपका, परलकोट, जो परलकोट हुआ था किसके शासन में हुआ था, महीपाल, ठीक है, महीपाल। अब इसको याद रख लेना, मही और पाल, मही जैसे मही खाते हो ना, हाँ बिल्कुल। अभी जो गोवर्धन पूजा में मही से हम लोग बनाए थे, क्या बोलते हैं, जिमी कांदा कोचाई और क्या क्या मखना वखना मिलाते ना, वो गाय की पूजा की जाती है तो उसको खिचड़ी खिलाया जाता है, ठीक है, तो उसको गोवर्धन पूजा के दिन होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखिए जो परलकोट, हाँ चलिए अब क्लास में स्टार्ट कर ध्यान दीजिए, परलकोट विद्रोह के शासक थे, जो परलकोट विद्रोह था, विद्रोह किसके लिए था, परल पलट दिया उसको, ऐसे याद रखो, महीपाल देव, मही और पाल, पाल को क्या करते हैं, पलट देते हैं, उसी प्रकार जो परलकोट विद्रोह हुआ था वो महीपाल देव से हुआ था, इसको नोट कीजिएगा। कैसे याद करने हैं, ट्रिक आपको बता रहा हूँ, देखिए ट्रिक क्या है, परलकोट यानी कि पाल को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, उसी प्रकार महीपाल देव, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सर्वपुरी शासकों की राजधानी क्या होती है, ये सभी को पता है कि बारसूर आएगा, ठीक है, बारसूर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तीतरदेव छत्तीसगढ़ के इस राजवंश से संबंधित, जो तीतरदेव होता है इसको यूज किया पांडुवंश, ठीक है, क्या है, पांडुवंश, तीतरदेव, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था, आप सभी को पंचायन शैली, ठीक है, पंचायन शैली, इसको नोट कीजिएगा, जो है पंचायन शैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जो राजीव लोचन मंदिर होता है, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आप सभी को मालूम है जगताल देव, ठीक है, जगत पाल देव, ठीक है, कौन सा है, जगत पाल देव, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर, ये एग्जाम में आया उससे, प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये PSC का 2022 में हाल ही में जो एग्जाम में प्यून भर्ती एग्जाम हुआ था, ठीक है, प्यून भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर का जो पूछा गया था राजिम है, ठीक है, राजिम, इसमें राजीव दिया गया है लेकिन वो आपका हो जाएगा राजिम में, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। कपूरिया वंश की राजमुद्रा क्या है, आप सभी को पता है गजलक्ष्मी, गज का मतलब होता है हाथी, लक्ष्मी का मतलब होता है माता रानी, ठीक है,
तो ये आपका जो कपूरिया वंश की जो राजमुद्रा थी ये वाला है ना, वो गजलक्ष्मी हो जाएगा। उसके बाद यह बताइए कि गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था। जो गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो आगमन किया था 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में आए थे रायपुर में। लेकिन आप सभी ये बताएं, पहला तो मैं आप सभी को बता दिया कि गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर में आए थे, आगमन की तिथि 20 दिसंबर 1920 है। लेकिन गांधी जी की द्वितीय आगमन कब हुआ था? गांधी जी, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, गांधी जी द्वितीय आगमन कब हुआ था ये आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स दिया गया है। बाकी और भी वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स की क्लास, तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आप सभी की क्लास मिल जाएगी। साथ ही जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्त्री साक्षरता है सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है आपका बिहार, ठीक है, जो स्त्री साक्षरता है सबसे कम बिहार में है। तो आप ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य में स्त्री के साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, इसको नोट कीजिएगा, व्यापम में आता है, ठीक है। तो ये बताइएगा कि राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री का जो साक्षरता है सबसे अधिक कहाँ है? मैं आपको कम वाला बताया हूँ बिहार में, ठीक है, कम वाला कहाँ है? बिहार में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके बाद देखेंगे कि वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? आप सभी को पता है चौथा क्रम होता है, वन क्षेत्र की जो दृष्टि है भारत में, छत्तीसगढ़ का जो क्रम है चौथा क्रम है, ठीक है, चौथा क्रम है। अभी ये बताइएगा कि 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का जो हिस्सा है वो आपका 36% है, कब में? 2018 और 2019 के लिए पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होती है कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपका दक्षिण, ये नीचे वाला भाग, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मान लीजिएगा, यहाँ से ये दक्षिण हो गया, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। एक मिनट ना, मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा, मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये आपका नीचे हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूर्व, और ये आपका हो गया पश्चिम, ठीक है, ये आपका उत्तर, ठीक है, ये नीचे वाला दक्षिण। तो देखिए यहाँ पर इधर पूरा पर्वत ही पर्वत है, और इधर नहीं है, पूरा वन क्षेत्र है। तो यहाँ से ये 90% इधर से नहीं जाकर यहाँ से होती है, बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, वहाँ से आपका होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इधर से नहीं आकर ये जो पर्वत है वहाँ से यहाँ पर नहीं चढ़ पाता, तो यहाँ से जो इधर ऐसे धीरे धीरे ना, यहाँ से धीरे 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 चढ़ता चढ़ता इधर जाएगा, और यहाँ से आपको वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इधर पूरा समुद्र है, इधर ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद, इस राज्य में अंग्रेजों का जो नियंत्रण था स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो आप सभी को पता है अप्पा जी, क्या है? अप्पा जी, ठीक है, ये बार बार झारखंड वाला आ रहा है, ठीक है, नेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि विद्रोह, अब जो वीर नारायण सिंह गिरफ्तारी कब हुई थी? वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कब हुआ था? 2 दिसंबर 1857 को। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि वीर नारायण सिंह जो गिरफ्तारी हुआ था ये आपको 2 दिसंबर 1857 को हुआ था। और विद्रोह की बात करें तो वीर नारायण सिंह से यहाँ से बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नारायण में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वीर नारायण सिंह से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एक न एक एग्जाम में। सूरी गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है सीताराम, ठीक है, बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो चलिए सीताराम यहाँ पर लिखते हैं, सीताराम मिश्रा जी हैं यहाँ पर, ठीक है। सूरी गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक हैं आपका पंडित सीताराम मिश्रा जी। चलिए इसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति पर रखा गया है? तो आप बताइएगा, दीनदयाल उपाध्याय हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य में 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, आप सभी को मैं बार बार बताऊं, 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपका आएगा बिलासपुर, ठीक है, ये मुंगेली रोड है ना, बिलासपुर जो मुंगेली उधर जाते हैं, ये आपको बिलासपुर, ठीक है, पंडरिया रोड, ठीक है, उधर से ही जाते हैं। तो इस राज्य में 1923 में जो झंडा सत्याग्रह होता है, झंडा झंडा क्या है अब ये देखिए, अब झंडा कौन कमेंट कर रहा है, पागल व्यक्ति,
देखिए इस राज्य में 1923 में बेवकूफ नहीं तो कुछ भी पूछता है। 1923 में झंडा सत्र का कहाँ से प्रारंभ हुआ था पता नहीं है क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ बिलासपुर से। डिटेल जानकारी चाहिए क्या तेरे को? आप क्वेश्चन पर पढ़ते हो ध्यान नहीं देते। प्रति व्यक्ति का आय का जो सूत्र क्या है ये एग्जाम में आता है, ठीक है? अर्थव्यवस्था से पूछा गया है। प्रति व्यक्ति का जो आय का सूत्र होता है सकल राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय का बटा कुल जनसंख्या। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? मैन पार्ट। पता नहीं है क्या? मैन पार्ट बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझते नहीं हूँ। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग पूछा गया है, मैन पार्ट आएगा। बेवकूफ कुछ भी पागल जैसे पूछते रहते क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासन में दो लोग आदिवासी विद्रोह हुए थे? कौन कौन से? मैं आप सभी को बता दूं कि बस्तर है, इसको नोट कीजिएगा, बस्तर, ठीक है। बस्तर है जो राज्य के करद राज्य में ब्रिटिश शासन को दो आदिवासी में विद्रोह हुए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय निवासी, ठीक है, जो स्थानीय निवासी है 1920 में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, जो कंडेल सत्याग्रह है? तो आप बताइएगा धमतरी में कौन सा विद्रोह हुआ था और गट्ठा सिल्ली में कौन सा विद्रोह हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट वन वीडियो था, ठीक है। कल हम पार्ट टू वीडियो लेकर आएंगे, टोटल 50 MCQ जो कि व्यापम PSC में पूछा जाता है। तो दोनों क्लास चल रही, मैं क्या क्या बताया हूँ पहला आप नोट कीजिएगा, छात्रावास अधीक्षक, दूसरा SI भर्ती, जो कि SI भर्ती का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।